एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज ज्योतिष सलाह में हम बात करेंगे। जब भी हमने कुंडली का फलादेश करते हैं तो जिस भाव में अगर आपकी कुंडली में अगर कोई भी जो भाव है उसका आकलन करना हो तो उसमें ये देखना चाहिए कि आपके कुंडली में किस तरह से मूल त्रिकोण राशि में कौन से ग्रह हैं या सौर राशि के कितने ग्रह हैं, उच्च राशि के कितने ग्रह हैं तथा आपको अगर किसी भाव का भी निर्धारण करना है, जैसे लग्न का करना है, तो लग्न लग्न का स्वामी और जो उसका कारक है सूर्य, अगर ये सब अगर मूल त्रिकोण राशि में होते हैं तो वो ग्रह का वो भाव का प्रभाव बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर धन भाव को देखेंगे तो धन भाव में आपको देखना है कि धन भाव का जो धन भाव है, धन भाव के जो स्वामी है और धन भाव में जो राशि है उसका स्वामी और जो कारक गुरु है, ये अगर आपके कुंडली में मूल त्रिकोण राशि में बैठते हैं, सौ राशि के होते हैं, उच्च राशि के होते हैं, मित्र गणों की दृष्टि होती है, तो यह बताया गया है कि ऐसा जो भाव होगा वो अपना अच्छा फल देगा अपने कुंडली का। तो इस तरह से हर एक भाव में मूल त्रिकोण राशि में जितने ग्रह चले जाते हैं वो अगर वो उसका भाव है, भाव भी अगर मूल त्रिकोण का है, जैसे कि मेष लग्न में एक नंबर जो है वो ये राशि वो मूल त्रिकोण राशि है, इसका स्वामी मान लो वो नवम भाव में चला जाती है तो नवम धनु राशि भी मूल त्रिकोण राशि में आपका मंगल ग्रह चला गया, और सूर्य जो है वो इसका कारक है, अगर वो भी मूल त्रिकोण राशि में चला जाता है तो मान लो वो भी आपके नवम भाव में चला गया है या मूल त्रिकोण राशि में कहीं पे भी बैठा होगा, तो इस तरह से आपका जो लग्न बलवान हो जाएगा और उसके व्यक्तित्व का अच्छा प्रभाव देगा। इसी तरह से धन भाव का जो स्वामी है, मान लो वहाँ 9 नंबर की राशि है तो ये मूल त्रिकोण राशि है दो दूसरे भाव में, और उसका जो स्वामी बनता है गुरु है, वो अगर मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाता है और साथ में जो कारक भी गुरु ही बनता है तो अगर वो भी मूल त्रिकोण राशि में हो जाएगा तो ये आपको दर्शाता है कि जब भी उस भाव के जो धन संबंधी है, कुटुंब संबंधी है, आपके संचित संपत्ति का जो विशेष फल देगा, तो आपकी पूरी कुंडली का जब फलादेश करेंगे तो जितने ग्रह अगर मूल त्रिकोण राशि में हो, उनके कारक भी अगर मूल त्रिकोण राशि में हो, उसके बाद में अगर यहाँ भी नहीं हो तो अगर वो सौ राशि के उच्च के भी हो तो आपके कुंडली का जो फलादेश करेंगे वो कहेंगे कि वो कुंडली बलवान हो जाती है। तो इस तरह से हम संक्षिप्त में जानने का प्रयत्न किया कि किस तरह से मूल त्रिकोण राशि का महत्व होते हैं, जब मूल त्रिकोण राशि में जो ग्रह बैठते हैं और कारक बैठते हैं या लग्न बनता है उसका या जो भी भाव है उसका जो राशि है उसका मूल त्रिकोण राशि रहती है, तो अगर वो भाव भाव का स्वामी और कारक तीनों अगर मूल त्रिकोण राशि में होते हैं या वो उच्च के हों सौ राशि के हों तो भी वो विशेष फल देंगे आपको। तो इस तरह से वो भाव की बलवान कर देंगे और इस तरह से आप फलादेश कर सकते हैं। आपको विस्तृत वीडियो हम जानना चाहते हो तो हमारे जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।